फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सीईटी को अब फाइनली लागू कर दिया गया है। सीईटी को 19 अगस्त 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की गई थी और संसद से भी मंजूरी मिल गई है। इसमें बताया गया है कि सीईटी को इस बार लागू कर दिया गया है और 19 अगस्त से लागू कर दिया गया है। सीईटी बेसिकली है क्या? तो सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसे कि पूरे भारत में लागू कर दिया गया है और ये ऑल इंडिया लेवल पर एक ही टेस्ट होगा और ये 10th, प्लस टू और ग्रेजुएशन बेस पर जितनी भी पोस्टें निकाली जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें, अब उन सभी पोस्टों को भरने के लिए अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और एक टेस्ट होगा। और इस टेस्ट को जो कंडक्ट करेगी एजेंसी, वो एजेंसी है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से कंडक्ट करेगी इस एग्ज़ाम को। तो आगे देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये 19 अगस्त 2020 को इससे संसद से स्वीकृति मिल चुकी है और संसद ने इसे स्वीकृति दे दी है और इस संबंध में प्रेस रिलीज भी जारी की जा चुकी है 19 अगस्त 2020 को। तो देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहले आपसे पढ़ लीजिए, इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि एट प्रेजेंट कैंडिडेट सीकिंग गवर्नमेंट जॉब्स हैव टू अपीयर फॉर मल्टीपल सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय वेरियस रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर पोस्ट फॉर विच सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड। दीज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंप्राइज ऑफ मल्टीपल लेयर टायर 1, टायर 2, टायर 3 स्किल टेस्ट ETC। ओरिजिनली द टायर 1 examination comprise of a computer based online multiple choice questions. Every year approximate 2.5 crore candidate appear in multiple such requirement examination for approximate 1.25 lakh vacancy. इसके आप ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो इसमें ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिसके कारण से लागू किया गया था। तो सबसे पहले इसमें यह बताया गया है, टू मिटिगेट द हार्डशिप फेस्ड बाय द कैंडिडेट हु हैव टू अपियर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसी वेयर सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशन हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड। इसमें यह बताया गया है कि कई समस्याएं आती हैं स्टूडेंट के सामने की, और उन समस्याओं को कम करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा है। और आगे इसमें क्या क्या बताया गया है, सेकेंड इसमें बताया गया है कि टू ब्रिंग इन सेविंग टू द कैंडिडेट टूवार्ड्स मल्टीपल एप्लीकेशन फ़ी, और मल्टीपल एप्लीकेशन फ़ी को बचाने के लिए, उनकी सेविंग करने के लिए, एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट टू अपियर इन दीज एग्जामिनेशंस। टू इम्प्रूव असेस टू रूरल कैंडिडेट, और जो ग्रामीण लोग हैं उनको असेस पहुँचाने के लिए, बाई सेटिंग अप एटलीस्ट 1 टेस्ट सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और इसमें यह बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जाम सेटअप करिए जाएंगे। नेक्स्ट है, टू फैसिलिटेट कैंडिडेट टू शेड्यूल टेस्ट एंड चूज एन एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ देयर ऑन चॉइस। टू रिड्यूस द टाइम टेकन इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसमें ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कैंडिडेट का टाइम रिड्यूस करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सीईटी का। आपको पता होगा कि किस तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे SSC का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, जिसकी प्रोसेस काफ़ी धीमी है, इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए ही इस सीईटी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारे पास, टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, तो रोज़गार सृजन करने के लिए, रोज़गार फास्ट करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और जितनी जल्दी से जल्दी कैंडिडेट को उनके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, अर्थात उनको उनकी रोज़गार दिया जाएगा, और प्रोसेस जितनी फास्ट होगी, बेसिकली ये प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए सीईटी का मुख्य उद्देश्य है। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। आगे इसके फीजर्स क्या क्या हैं, तो आप पढ़ सकते हो। इसमें बताया गया है कि टू बिगिन विद सेपरेट सीईटी शैल बी कंडक्टेड फॉर द ग्रेजुएशंस, द हायर सेकेंडरी एंड द मैट्रिकुलेट कैंडिडेट फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट फॉर द विच रिक्रूटमेंट इज करंटली कैरिड थ्रू द SSC। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि जो CET एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, प्लस टू लेवल पर होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल पर होगा, और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भरे जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली
बेसिकली आज के समय में बड़े पैमाने पर जो एजेंसी हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, जैसे एसएससी, इसमें प्रमुख है, जहाँ बड़े पैमाने पर वैकेंसीज निकाली जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रेलवेज़ है, रेलवे विभाग है, एक आईबीपीएस है जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ये तीनों की तीनों एजेंसियाँ अब 10th +1 +2 और ग्रेजुएशन बेस पर इनकी जो वैकेंसीज निकाली जाएंगी वो अब उनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास, द स्कोर ऑब्टेंड बाई द कैंडिडेट इन द सीईटी विल बी मेड अवेलेबल टू हिम एज वेल एज द इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, इसमें एक सी कॉमन ऑब्टेंड बाई द कैंडिडेट, इसमें एक ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो भी स्कोर होगा वो ऑब्टेंड करेगा जो कैंडिडेट, वो अवेलेबल होगा इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास, द स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। और जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो उसका जो स्कोर होगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है, ईच कैंडिडेट विल हैव 2 एडिशनल चांसेस टू इम्प्रूव हिज स्कोर। इसमें कैंडिडेट को 2 चांस दिए जाएंगे उसको अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। एंड द बेस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल स्कोर शैल बी डीम्ड टू बी द करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, इसमें बताया गया जो उसका बेस्ट स्कोर होगा वो ही अप्लाइड होगा। नेक्स्ट, फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशन टू बी कंडक्ट बाई द रेस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट एजेंसी। अर्थात इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि ऑल इंडिया लेवल पर जो सीईटी होगा वो सिर्फ प्री एग्जाम को ही कंडक्ट कराएगा, और जो मेन एग्जाम होगा फ्रेंड्स, जो मेन एग्जाम होगा वो एजेंसी अपना खुद अरेंज करेंगी। मींस अगर एसएससी, एसएससी सीजीएल जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, अगर उसका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सीईटी कंडक्ट कराएगी, तो उसका जो मेन एग्ज़ाम होगा वो एसएससी ही कंडक्ट कराएगी। इसी तरीके से आईबीपीएस का प्री एग्ज़ाम सीईटी कंडक्ट कराएगी, और जो इसका मेन एग्ज़ाम होगा तो वो आईबीपीएस ही कंडक्ट कराएगी, और जो फाइनल वैकेंसी निकले जाएगी, जो फाइनल स्कोर डिसाइड होगा वो आईबीपीएस के द्वारा डिसाइड किया जाएगा वैकेंसीज के लिए। इसमें बेसिकली छात्रों को छांटा जाएगा, ठीक है, इसमें छात्रों को छांटा जाएगा, और उसको स्कोर देने के बाद उसका उसका मेन एग्ज़ाम होगा, और मेन एग्ज़ाम ही डिसाइड करेगा उसकी वैकेंसीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास, फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशन टू बी कंडक्ट बाई द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इसमें हमने भैया बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारे पास, रोल ऑफ पार्टिसिपेशन बाई द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या पार्टिसिपेशन है, आगे बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन मे आल्सो यूज द रिजल्ट ऑफ सी ई टी ऑन द कॉस्ट शेयरिंग बेसिंग वाई इंटरिंग इन टू एम ओ यू विद द स्पेशलिस्ट एजेंसी फॉर सी ई टी। स्टेट टू कुड टैप दिस रोबस्ट मैकेनिकिज्म फॉर अंडरटेकिंग रिक्रूटमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। नेक्स्ट है, द सी ई टी स्कोर ऑफ द कैंडिडेट कैन आल्सो बी यूज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर डिपार्टमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट मेड अदर देन थ्रू द एसएससी। तो डिपार्टमेंट जो पोस्ट निकाली जाती हैं एसएससी के द्वारा, तो ये स्कोर उसके लिए भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, मिनिस्टर पोस्ट निकालती हैं, डिपार्टमेंट पोस्ट निकाली जाती हैं एसएससी के द्वारा, तो उसके लिए ये वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है, द सीईटी स्कोर कैन आल्सो बी यूटिलाइज बाय प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब निकलती हैं तो सीईटी का जो रिजल्ट है उसके लिए भी वैलिड रहेगा। ठीक है, सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो उसके लिए भी यूटिलाइज किया जाएगा जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स निकाली जाती हैं, जैसे बैंकिंग में निकलती हैं, इसके साथ प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जॉब्स निकालती हैं तो सीईटी का स्कोर उसके लिए भी यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर कंसिडरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट अदर देन दोज सेलेक्टेड बाई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर अपॉइंटमेंट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन बाई एंट्री इन टू एन अरेंजमेंट विद द स्पेशलिस्ट एजेंसी फॉर सीईटी। नेक्स्ट है, सिचुएबल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर आर आल्सो रिक्वेस्ट टू सुजेस्ट ए सिचुएबल नेम फॉर द प्रपोज्ड स्पेशलिस्ट एजेंसी। तो ये है, अब इसको फाइनल टच दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे फाइनल टच दे दिया गया है 19 अगस्त
19 अगस्त 2020 को बुधवार को उसे फाइनल टच दे दिया गया है। और ये जो सीईटी है वो ऑल इंडिया पे अब लागू हो गया है, और सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब ऑल इंडिया लेवल पर लागू हो गया है। और इस एग्जाम को जो रिक्रूट करेगा वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करेगी। तो फ्रेंड्स, ये है एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस, एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 19 अगस्त को दी गई है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जानकारी के लिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।